अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दिल्ली में रायट्स चल रहे हैं और मैं हमारी गवर्नमेंट से, रायटर्स से और सारे के सारे सेंसिबल कंसर्न लोगों से एक अपील करना चाहता हूं। हम सब के सब जानते हैं कि जब रायट्स चलते हैं तो कंट्री की इकोनॉमी पे एक असर पड़ता है। क्या आपको पता है कितना असर पड़ता है? हमारे पास एक मिसाल है गुजरात के 2002 के रायट्स की। गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उस वक्त पर कहा था कि गुजरात रायट्स की वजह से 10,000 करोड़ का नुकसान बिजनेस को हुआ। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट सोर्सेज दोनों ने कहा था कि डेली का 500 करोड़ का बिजनेस का लॉस हो रहा था। यह तो 2002 की बात थी, आज की तारीख में कितना लॉस हो रहा होगा और दिल्ली जैसे बड़े शहर में कितना बड़ा लॉस हो रहा होगा वो तो हम खुद समझ सकते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स ने अपने पीस के पूरे इंटरनेशनल इंडेक्स में 163 कंट्रीज में से इंडिया को 141 नंबर पर रखा था और बताया कि इंडिया में एक साल 2019 में 61 लाख करोड़ का लॉस हुआ। 61 लाख करोड़ किसे बोलते हैं? इस तरह के सारे वायलेंस की वजह से। अब आप खुद सोचिए कि जब इस तरह के रायट्स हो रहे हैं तो कितना लॉस हो रहा है, यानी हमारी कंट्री अपनी कंट्री की दौलत को वेस्ट कर रही है इस तरह के वायलेंस पर। जाहिर सी बात है, जिस कंट्री में इस तरह की हिंसा हो उस कंट्री में आने वाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो कम होना ही है। कई कंट्रीज अपने नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरीज इशू कर चुके हैं कि इंडिया में नहीं जाना है इस तरह की हिंसा की वजह से। इस वजह से टूरिज्म पर भी असर पड़ने वाला है। हिंसा करने वाले हिंसा कर रहे हैं, उकसाने वाले उकसा रहे हैं, पुलिस भी हिंसा होने दे रही है, लेकिन ये सबके सबको ये एहसास नहीं हो रहा है कि हमारी कंट्री आज की तारीख में एक ऐसी डेलिकेट सिचुएशन में है, एक ऐसी नाजुक सिचुएशन में है। हमारी इकॉनमी, हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसी सिचुएशन में है कि थोड़ा सा अगर धक्का गलत तरीके से लग गया तो हमारी कंट्री एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में गिर सकती है। हम सब खुद देख चुके हैं कि पीएमसी बैंक किस तरह से कोलैप्स हुई। बैंक्स खुद एक बहुत ही नाजुक से रेशियो में है। अलग अलग लोन डिफॉल्ट्स हो चुके हैं, बैड डेट्स आ चुके हैं, वोडाफोन वगैरह डूबने की बात हो रही है। अब इस सिचुएशन के अंदर ये सारे रायट्स वगैरह अगर शुरू हो जाए तो ये बात श्योर है कि हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस को देख रहे हैं। और फिर समझने की बात यह है कि जब बैंकें डूबेगी, जॉब छूटेंगे तो सबके सबको इस बात की तकलीफ होने वाली है। तो हम सब के लिए जरूरी है एज कंसर्न्ड इंडिविजुअल्स, हम सब अपने तौर पर क्या कर सकते हैं, हम सब करें इन रायट्स को रोकने के लिए। इसी वजह से इस वीडियो में मैं आपके सामने सुझाव रख रहा हूं कि अमन कमेटी, सद्भावना कमेटीज जगह जगह, एरिया एरिया में बननी चाहिए और स्ट्रांग बननी चाहिए। सब लोगों को आकर के मिलना चाहिए और दो तरह की बननी चाहिए, सिलेक्ट स्ट्रांग लोगों की और अवाम की भी। सबके सब मिलकर अमन कायम करेंगे इस कंट्री में हम सब। और हम याद रखेंगे गांधी जी की मिसाल को कि वो खुद अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में फास्ट अनटू डेथ का व्रत रखा कि लोग रायट्स को रोकें। एक और मिसाल हमारे पास सुनील गावस्कर की है कि जब बॉम्बे में रायट्स चल रहे थे वो खुद उतर करके उन्होंने एक फैमिली को रायटर्स से बचाया था। ये अमन कमिटी, सद्भावना कमिटीज में हर धर्म वाले होने चाहिए, सारे कंसर्न्ड इंडियंस होना चाहिए। हमारा इंसानियत का नाता है, हमारा खून का नाता है, खून तो खून ही होता है चाहे किसी का भी खून बहे। अरे किसी की खून पसीने की मेहनत से बनाया हुआ उसका बिजनेस, उसका घर अगर जला दिया जाए तो ये रोकना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। हमारी कंट्री की इमेज पूरी दुनिया में खराब हो रही है और हो सकता है कि आपके धर्म की इमेज भी लोगों की आंखों में खराब हो रही है। जुल्म से रोकना तो सब धर्म सिखाते हैं ना। हम सब जाने वाले हैं ना अपने मालिक के पास। हम सारे के सारे लोगों से अपील करते हैं, आओ सब मिलकर रोकते हैं पागलपन को। हमारे पास एक मिसाल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है। जब मक्का के अंदर 3 साल तक टोटल बॉयकॉट उनका किया गया तब बनु हाशिम और बनु मुतलिब नाम के दो कबीले जो मोस्टली नॉन मुस्लिम्स के थे उन्होंने मुस्लिम्स का टोटल साथ दिया था। वो भी खुद उस बॉयकॉट में 3 साल तक साथ में रहे, यहां तक कि बॉयकॉट खत्म हो गया। अगली बात कि हमें करना क्या है ऐसे वक्त पर, आपको एक बात याद रखनी है कि आपको अपनी जान और अपनी प्रॉपर्टी का डिफेंस तो करना है लेकिन साथ साथ में हिफाजत करनी है एक बहुत बड़े कॉज की, जो एंटी सीए प्रोटेस्ट पूरी इंडिया में सारे धर्म वाले मिलकर कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट पर आंच नहीं आनी चाहिए। बात तो क्लियर है, ये सारे राइट्स कराने वालों का मकसद यही था कि वो सीएए प्रोटेस्ट जो 2.5 महीने से पीसफुल तौर पर और बहुत सहनशीलता के साथ हो रहे थे उससे किसी तरह से रोकना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपके अंदर एक तरह का गुस्सा सुलग जाए। आप जानते हैं कि जब मस्जिद को जलाया गया, मीनार के ऊपर जो भगवा झंडा लगाया गया, ये चीज को देखकर गुस्सा आ सकता है किसी को, लेकिन आपको वो गुस्से को रोकना है। क्यों?
ये कौन लोग है कर रहे हैं आपको पता है? ये एक फ्रस्ट्रेटेड माइनॉरिटी है जो सिर्फ पुलिस और गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही दंगा कर रहे हैं। आपको पता है बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, किसी अनएम्प्लॉयड पर्सन को थोड़े पैसे मिल जाए दंगा करने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिकते हैं, यानी कि बहुत सारे भाड़े के टट्टू हैं। किसी भी धर्म किसी भी कौम के लिए अपने दिल में नफरत मत आने देना। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि अपने दिल में किसी हिंदू के लिए हिंदू धर्म के लिए नफरत मत आने देना। क्यों? क्योंकि आम हिंदू तो हमारे साथ है, बुद्धिस्ट हमारे साथ है, सिख हमारे साथ है, कम्युनिस्ट हमारे साथ है। पूरे के पूरे इंडिया में किसी एक हिंदू पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए, उस पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। और अगर आप पर हमला किया गया तो सेल्फ डिफेंस की इजाजत तो खुद इंडिया का कानून देता है। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 96 में है, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का आर्टिकल 51 है कि आपके पास सेल्फ डिफेंस का तो हक है लेकिन जुल्म नहीं करना है। और किसी भी हाल में आपको अपने दिल में किसी तरह का डर नहीं आने देना है, क्योंकि दुनिया और दुनिया की जिंदगी, दुनिया की सारी चीजें तो छोड़ के ऐसे भी जाना है। हमें खुशी होनी चाहिए कि हम अच्छे काम के लिए, सच्चाई के लिए आज खड़े हैं। जुल्म करने वालों की फोटोग्राफ्स लो, वीडियोस बनाओ, खुद अपने आप को जैसे कि एक मीडिया का रिपोर्टर समझो। आज मीडिया तक आपकी आवाज कैसे पहुंचे, याद रखिए इस बात को। व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन ट्विटर के जरिए आप इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया एक्टिविस्ट सबके पास अपनी रिपोर्ट पहुंचा सकते हैं। मैं खुद डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस और कुछ प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट का आपको ट्विटर एड्रेस दे रहा हूं। और हालात देखते हुए CAA प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए। किसी एरिया में कुछ वक्त के लिए कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये प्रोटेस्ट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज तो हम सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि करोड़ों लोगों की नागरिकता ले ली जाए, उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाए। जो लोगों का इन रायट्स में लॉस हुआ है उनके लिए हर जगह पर एक अच्छा रिलीफ फंड बनना जरूरी है, ताकि उनकी जिंदगियां नॉर्मल पर वापस आ सके। आखिर में एक बात याद रखिए, जो लोग ये आग लगाते हैं उनसे बहुत बड़ा आगों को बुझाने वाला है। उनकी मर्जी चलती तो कितने सारे रायट्स हो जाते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के सिवा कुछ हो नहीं सकता। कुल्लमा औकदु नार लिल हर्बी अतफा हल्ला, जब जब वो जंग की आग लगाते हैं ऊपर वाला अल्लाह उन्हें बुझा देता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हो सकता है कि आप खुद एक बहुत बड़े फसाद को रोकने में जरिया बन जाएं। हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।